डॉक्टर अनुश्री हैं, इन्होंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से इस बच्चे को उस लायक तैयार किया जिसकी वजह से ये बच्चा डिलीवर हो पाया, जिंदा डिलीवर हुआ। गार्जियन का जो उम्मीद था, उन्होंने अपने 8 बच्चे खो चुके हुए थे और उसके बाद वो हमारे पास आए हुए थे लगभग 2 महीने की प्रेगनेंसी के साथ। बच्चा हो रहे यहाँ पहुँचलिए तो ठीक भले, पहले बच्चा रहे कि खराब भै जाए रहे, कतना दवा सुइया करे रहिए नहीं रुकै रहे, खराब भै जाए रहे, यहाँ अलिए तो रुकले हम। चैलेंज ये था कि इस बच्चे को, चूंकि हर बच्चा 5 महीना 6 महीना होते होते ख़त्म हो जाता था, तो इस बच्चे को बचाने के लिए ये जरूरी था इस बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए, जिससे कि एक हमारे पास इंटरेस्टिंग केस आया, एक बच्चा जिसका जन्म 30/7 को हुआ, 30 जुलाई को, और अभी तक हमारे पास है बच्चा यहाँ। लगभग इस बच्चे को हम लोगों ने 2.5 महीने अस्पताल में भर्ती रख के इलाज किया है। ये वो बच्चा है जो 6 महीना में ही पैदा हो गया और इसका वजन जन्म के समय मात्र 500 ग्राम था। इसको, चूंकि 500 ग्राम के बच्चे का बचना बहुत मुश्किल होता है बचाना, इस बच्चे पे हम लोगों ने लगभग 2.5 महीने मेहनत किया और उसके बाद अब जाके सफलता हाथ लगी है और बच्चा अब घर जाने के लिए रेडी है। इस बच्चे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये 9वां बच्चा है इस मदर का, 9वां बच्चा, एक भी बच्चा उनका अभी तक जीवित नहीं रहा। 8 बच्चे गर्भ में ही या तो गर्भपात हो गए या 6-7 महीना 5 महीना 4 महीना होते होते किसी न किसी कारण से सर्वाइव नहीं कर पाया। तो गार्जियन बहुत परेशान थे कि अब हमें लगता है बच्चा होगा ही नहीं, इसलिए इन्होंने खगड़िया, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, अलग अलग जगह दिखाया कि किसी तरह हम उनका बच्चा ठहर जाए, सुरक्षित बच्चा डिलीवर हो जाए। जब 8 बच्चा नहीं बचा तब उन्होंने बेगूसराय में डॉक्टर अनु के पास वो लोग आए और उन्होंने अनु के देखरेख में इस बच्चे को डिलीवर कराने की सोची। चैलेंज ये था कि इस बच्चे को, चूंकि हर बच्चा 5 महीना 6 महीना होते होते ख़त्म हो जाता था, तो इस बच्चे को बचाने के लिए ये जरूरी था इस बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए, जिससे कि बच्चा किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले और उसको बचाया जा सके। मेरे बारे में गार्जियन जानते थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर अरविंद कई बार छोटे बच्चे को बचाया है, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और डिलीवरी के समय मुझे ये मौका मिला कि इस बच्चे का जान बचाने की कोशिश मैं करूं। और डॉक्टर अनुश्री हैं, इन्होंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से इस बच्चे को उस लायक तैयार किया जिसकी वजह से ये बच्चा डिलीवर हो पाया, जिंदा डिलीवर हुआ और मुझे मौका मिला कि उस बच्चे के को मैं बचाने की कोशिश करूं। तो बाकी डिटेल डॉक्टर अनु बताएंगी। बच्चे की मम्मी का नाम है बेबी ऑफ पूनम, पिता का नाम है कैलाश यादव, खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में गम्हरिया के रहने वाले हैं। बच्चा 6 महीने में ही जन्म ले लिया, 6 महीना 3 दिन का गर्भावस्था के दौरान बच्चे को डिलीवर कराना। जिस समय बच्चा जन्म लिया उस समय बच्चे का वजन 500 ग्राम था, बाद में 1 हफ्ते बाद हमने इस बच्चे का वजन किया था तो 490 ग्राम का वजन था 1 हफ्ते बाद। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। आज जब हम इस बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं, आज बच्चे का वजन है 1.25 किलो। मेरे पास सर ये बच्चा 75 दिन, 75 डेज। अभी बच्चे का कंडीशन बहुत बढ़िया है, बच्चा माँ के पास ऑलरेडी हमने 3 दिन पहले दे दिया, 3 दिन से वो इस भरोसे पे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए वो जानबूझ के रुके हुए हैं। नहीं तो मेरी तरफ से ये बच्चे को इलाज करना कितना कठिन माना जाता है सर। 500 ग्राम के बच्चे का इलाज करना
बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि 500 ग्राम के बच्चे में बहुत सारे ऑर्गन डेवलप ही नहीं होते हैं। जैसे इस बच्चे में भी जब बच्चा हमारे पास आया और सबसे पहला एक्सरे कराया तो इस बच्चे का लंग ही डेवलप नहीं हुआ था, मतलब एक तरह से मानिए कि लंग था ही नहीं। बहुत सारे ऑर्गन्स इस बच्चे का डेवलप नहीं हुआ था क्योंकि बहुत ही प्रीमेच्योर बच्चा हुआ। धीरे 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 इलाज के दौरान इस बच्चे का डेवलपमेंट स्लोली स्लोली हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। इनमें बहुत सारे कई डॉक्टर्स का भी योगदान है। अब जैसे डॉक्टर आयुषी है, डॉक्टर अजीत सिन्हा सर की बेटी, उनको हमने आई के लिए बुलाया था कि आँख का चेकअप डॉक्टर आयुषी करे, उन्होंने अपने तरफ से आई का देखभाल किया। डॉक्टर अनुश्री बहुत अच्छे से ध्यान रखी, 6 महीने तक रोक के रखी कि किसी तरह बच्चा सर्वाइव कर पाए, और 2.5 महीने डिलीवरी के बाद 2.5 महीने मैंने उस बच्चे का टेक केयर किया कि किसी तरह बच्चे को जिंदा हैंडओवर किया जाए, बच्चे को सुरक्षित माता पिता के पास। गार्जियन का जो उम्मीद था, उन्होंने अपने 8 बच्चे खो चुके हुए थे और उसके बाद वो हमारे पास आए हुए थे लगभग 2 महीने की प्रेगनेंसी के साथ। किसी तरह से हमने उसको आगे बढ़ने की कोशिश की और लगभग 6 महीने के बाद वो पेशेंट हमारे पास आई ब्लीडिंग करते हुए कि उनको ब्लीडिंग हो रही है। फिर हमने ज़्यादा खून जाने की वजह से हमने उनका ऑपरेशन करके बच्चे की डिलीवरी करवाई थी। बच्चे का वजन उस समय 500 ग्राम था। किसी तरह बच्चे को बचाया गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। हमारे कुछ पेशेंट हमारे उनको बताए हुए थे, उसके थ्रू वो आए हुए थे हमारे पास, और फिर हमने उनका गहन इलाज करना स्टार्ट किया शुरू की। फिर धीरे 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 जब कंटिन्यू हमारे चेकअप में रहे, कंटिन्यू वो दिखाती रही, दवा चलती रही, चैलेंजिंग था हमारे लिए। किस मदर बताएंगी आपको, जो मदर बताएंगी, मदर की हंसी जो है वो बताएगी, एक फादर और मदर की हंसी बताएगी कि किस तरह का वो हंसी देखकर हमें अच्छा लगता है। डॉक्टर को भी तो अच्छा लगता है जी, जरूर जरूर जरूर। वो वही मैं बोल रही हूँ कि वो एक माँ बाप की जो खुशी होती है, जो नौवा जो माँ अपने 9-8 बच्चे को खो चुकी है और 8वां 9वां बच्चा उनको उनके हाथ में है, तो वो खुशी जो है एक बहुत बड़ा माने रखता है। यहाँ खगड़िया में 3-4 जगह आए ना, कोई डॉक्टर नहीं गच्छे, वहाँ से तब पंकज कुमार लेकर आया, डॉक्टर अनुश्री कुमारी मेट्रो हॉस्पिटल, वहाँ पर आए तो उसके बाद तो 3-4 दिन इलाज चला। इलाज चलने के बाद बोला कि पेट खोल के बच्चा जब तक कथी होगा दवाई सुइया पर इलाज चलेगा ठीक रहेगा, अगर नहीं चलेगा तो अंतिम में पेट खोल के बच्चा निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, वहीं पर पेट खोल के बच्चा निकाल लखिन। ओकर बाद यहाँ एलखनी डॉक्टर अरविंद कुमार नूंग, 0.5 किलो बच्चा 500 ग्राम का, यहाँ पर 2.5 महीना रहा है, ओकर बाद बच्चा सही सलामत छः अभी तक। क्या परेशानी थी इसके पहले? इससे पहले बहुत परेशानी थे, 8-9 बच्चा खराब हो चुका है। हमको नाम कैलाश कुमार, घर कहाँ है? कमला गमरिया। जिला? जिला खगड़िया। बच्चा को बहुत दिक्कत था, 8-9 बच्चा खराब हो गया। यहाँ पहले तो खगड़िया में भर्ती हुआ था, वहाँ से नहीं गया था, तब यहाँ हम आए हैं अनुश्री कुमारी मेट्रो हॉस्पिटल। वो बोला नॉर्मल में करने सोचा लेकिन नहीं हुआ, तब पेट खोल कर हुआ बच्चा। तो बच्चा से बुरा सुरक्षित है, 8-9 बच्चा हुआ था लेकिन बचा नहीं, अब बचा है तो हम लोग बड़ी अच्छा की बात है। आज ले जा रहे हैं बच्चा को। आपका क्या नाम? विकास कुमार यादव। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है, मैं पास के एलआई चौक पर अपना क्लिनिक चलाते हैं। उसके बाद मेरे मित्र के सिस्टर को यानी रखिए ना, 8 बार बच्चा हुआ था, कभी 6 महीना 7 महीना 8 महीना पर, लेकिन एक भी बच्चा नहीं बच पाया था। उसके बाद हमें पता चला, बार बार भी पता चलता था लेकिन ये लोग लोकल ट्रीटमेंट कराते थे तो डेड हो जाता था, लेकिन इसके बारे में पता चला तो हम बेसिम था, तो हम बोले बेगूसराय दिखवाइए। उसके बाद हम अरविंद सर से बात किए, चूँकि इनके यहाँ एक बच्चा था कोपराहा का, वो भी 800 ग्राम का था, सक्सेस हुआ था, तो हमको पता था, तो हम सोचे सर से मिल लेते, इससे पहले नॉर्मल पेशेंट हम दिए थे तो अच्छा रिकवर रहा। उसके बाद हम सर से बात किए, बोले सर आप रिस्पांस लेते हैं, सब वेट बता दिए थे। सर से हम बात किए, सर आपके संपर्क में जो अच्छा हॉस्पिटल है उनसे बात कीजिए, आप केयर कीजिए,
तो मेट्रो हॉस्पिटल बारे में सर बताए, ठीक है। तो वहाँ पर हम गए तो अनुश्री मैडम जो है सो रिस्पॉन्स ली, नॉर्मल कराने की कोशिश की, पहले तो रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया, तो नॉर्मल के लिए वो भी नहीं हो पाया, तो सीएस करके बच्चा निकाला गया। बेगूसराय में अरविंद सर हैं जो बहुत चमत्कार लाए, हमें जो विश्वास था पूर्ण रहा, धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद हमारे बड़े पुत्र हैं और डॉक्टर अनुश्री हमारे सबसे छोटे लड़के डॉक्टर सुनील कुमार की पत्नी है, हमारी पुत्रवधु है। और हम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पुतहु है या बेटा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिले में अपना नाम रोशन कर रहा है, हम लोगों का भी परिवार का भी नाम रोशन होता है, पूरे जिले का भी मान सम्मान बढ़ता है। इस तरह का काम नहीं हो रहा था कई वर्षों से, दशकों से, वो काम आज डॉक्टर अरविंद के कुमार के द्वारा, डॉक्टर अनुश्री के द्वारा किया जा रहा है। बच्चा हो रहे यहाँ पहुँचालिए तो ठीक भले, पहले बच्चा रहे कि खराब भे जाए रहे, कितना दवा सुइया करे रहिए नहीं रुक रहे, खराब भे जाए रहे, यहाँ अलिए तो रुकल हन तो पेट खोल के बच्चा भले हाँ, तो यहाँ भर्ती ले गए भर्ती में, तब यहाँ इलाज चल रहे, तब बच्चा बच गए, आठ सब मिला का आठ गो बच्चा, आठ बच्चा खराब हो गया। हाँ बच्चा गोद में लेकर आप जा रहे हैं, अभी तक बच्चा गोद में नहीं लेते ना, ना।